हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट अनफोल्ड। आज की हमारी रेसिपी है तीन तरह की मिठाइयाँ। सबसे पहले बनाएंगे रसगुल्ले, बहुत ही सॉफ्ट और एकदम स्पंजी रसगुल्ले बना के तैयार करेंगे, एकदम बाजार के जैसे। साथ ही साथ बनाएंगे कलाकंद, तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और एकदम मुंह में घुल जाने वाला कलाकंद बनाकर तैयार करेंगे, बिल्कुल हलवाई के जैसा। साथ ही साथ बनाएंगे रसमलाई, ये भी बहुत ही जूसी और डिलीशियस बनके तैयार होगी। इन सभी मिठाइयों को हमने सिर्फ दूध और चीनी से बनाया है, तो आप चाहें तो इनको व्रत में भी खा सकते हैं। तो एक बार आप इन्हें बना ले और हफ्ते तक भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले छेना बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पानी इसलिए ऐड किया है ताकि जो दूध है वो तली में लगे नहीं। तो यहाँ पर हमने लिया है ये 1.5 लीटर दूध। तो ये मैंने काउ मिल्क लिया है। आप कोशिश करें कि आप गाय का दूध या फिर टोन मिल्क लें, क्योंकि उसमें जो छेना होता है वो अच्छा बनता है। और अगर ये आपको ना मिले तो आप इसे नॉर्मल दूध में भी बना सकते हैं, लेकिन गाय के दूध में जो रिजल्ट है वो बेटर आता है। अब जब दूध में एक बार उबाल आ जाएगा तो फिर हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक कटोरी में डालेंगे 3 बड़े चम्मच विनेगर। ये जो हम किचन में नॉर्मल विनेगर यूज करते हैं वही है, तो इसके 3 बड़े चम्मच डाल लेंगे और फिर इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच गुनगुना पानी। अब इसे 1-1 चम्मच करके दूध में ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें कि सारे मिक्सचर को एक साथ ऐड ना करें। अगर हम सारा मिक्सचर एक साथ ऐड कर देंगे तो दूध एकदम से फट जाएगा, तो फिर जो छेना बनेगा वो काफी सख्त बनेगा। तब हम इसमें 1-1 चम्मच ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास विनेगर ना हो तो यहाँ पर आप इसे नींबू से भी फाड़ सकते हैं। तो 2 नींबू का रस ले लें और उसमें उतना ही गुनगुना पानी ऐड कर लें। फिर इसे 1-1 चम्मच करके इसमें ऐड करते जाएं। जब आपको ये पीले रंग का पानी दिखने लगे तो देखिए इसका मतलब जो छेना है वो पूरी तरह से अलग हो गया है। तो बस अब हमें इसमें और मिक्सचर ऐड नहीं करना है। अब हम एक बड़ा सा बर्तन ले लेंगे, उस पर एक छलनी रखेंगे और फिर एक जालीदार कपड़ा ले लेंगे। तो देखिए जो कपड़ा आप लें वो बिल्कुल जालीदार होना चाहिए, ताकि छेने से पानी अच्छे से अलग हो जाए। अब हम इसमें छेने को डाल देंगे। तो जब भी हम कोई भी मिठाई बनाते हैं तो उसके लिए जो हमें छेना चाहिए होता है, एक तो वो बहुत ही स्मूथ और सॉफ्ट चाहिए होता है, दूसरा उसमें हमें मॉइस्चर की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हमें उसका जो पानी है वो पूरी तरह से अलग करना होता है। अब हम इसको ठंडे पानी से 1 से 2 बार धो लेंगे। अगर आपने दूध को नींबू से फाड़ा है तो आप इसे 2 से 3 बार वॉश कर लें, ताकि जो नींबू की महक है और खटास है वो निकल जाए। अब हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको इस तरीके से घुमाते हुए इसका पूरा पानी अलग कर लेंगे। और फिर उसके बाद आप इसको इस तरीके से हैंग करके कहीं पर भी इसे ऐसे लटका सकते हैं। तो इसे 15 से 20 मिनट के लिए कहीं पर इस तरीके से लटका कर छोड़ देंगे, या फिर आप चाहें तो इसको छलनी में इस तरीके से रख के किसी बर्तन के ऊपर रख सकते हैं। बस फिर आपका छेना बनके तैयार हो जाएगा और उससे आप कोई भी मिठाई बना सकते हैं। सबसे पहले बनाएंगे रसगुल्ले। तो उसके लिए हम 1.5 लीटर दूध का छेना तैयार कर लेंगे और फिर उसका मॉइस्चर अलग कर लेंगे। तो देखिए जो छेना है वो अच्छे से ड्राई हो गया है, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब हम इसको मसलते हुए इसे स्मूथ कर लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से मसलते जाएंगे। ये देखिए हथेली का जो ये वाला पोर्शन है, इससे हमें चलाते हुए इसको स्मूथ कर लेना है। तो जब भी हम रसगुल्ले बनाते हैं तो उसके लिए जो हमें छेना चाहिए वो एक तो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए और दूसरा उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका टाइम और मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पर आपको 10 से 12 मिनट लगेंगे इसे स्मूथ करने में। तो ये देखिए जो छेना है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें से छोटा छोटा पोर्शन तोड़ लेंगे और उसके बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर आप साइज़ के लिए ध्यान रखें कि जब आप इसको बॉयल करेंगे तो ये 2 गुना से 2.5 गुना हो जाएगा, तो आपको उसी हिसाब से प्रोपोर्शन लेना है। तो ये देखिए हमारा बॉल बन के तैयार है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो जब हम इसको बॉयल करेंगे तो जो हमारे रसगुल्ले हैं वो चाशनी में फट सकते हैं। इसी तरीके से सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये हमने सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो उसके लिए एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे 300 से 350 ग्राम चीनी, फिर इसमें 2.5 से 3 गुना पानी ऐड कर देंगे। फिर
फिर इसमें डाल देंगे 3 हरी इलायची, इसे थोड़ा सा क्रश करके डाल दें। इलायची से हमारी चाशनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। जब चाशनी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो उसमें हम एक एक करके बॉल्स को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि सारे बॉल्स हमें एक साथ ऐड नहीं करने हैं। अगर हम सारे बॉल्स को एक साथ डाल देंगे तो जो चाशनी है उसका टेम्परेचर कम आ जाएगा, तो जो हमारे रसगुल्ले हैं वो चाशनी में फट सकते हैं। फिर हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये रसगुल्ले कितने फूल गए हैं, अपने साइज से डबल हो गए हैं। अब हम हल्के हल्के हाथों से इनको पलट देंगे। और फिर इसे ढककर 5 मिनट के लिए और पकने देंगे। 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं। अब हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, पहले उसमें थोड़ी सी चाशनी निकाल लेंगे और फिर एक एक करके इन रसगुल्लों को इसमें डाल देंगे। ये जो बची हुई चाशनी है इसको 5 मिनट के लिए थोड़ा सा गाढ़ा कर लेंगे और फिर इसको भी बाउल में ऐड कर देंगे। अब हम इसे ठंडा करेंगे और उसके बाद ये देखिए हमारे जो रसगुल्ले हैं वो बनके तैयार हैं। कितने सॉफ्ट और स्पंजी रसगुल्ले बने हैं, बिल्कुल हलवाई के जैसे। हमारी नेक्स्ट रेसिपी है कलाकंद। इसके लिए हम 1.5 लीटर दूध लेंगे और उसका छेना तैयार कर लेंगे। फिर उसे इस तरीके से क्रम्बल कर लेंगे ताकि जब हम इसको दूध में डालें तो वो जल्दी से पक जाए। तो जब भी आप कलाकंद के लिए छेना बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई में लेंगे 1 लीटर दूध। आप यहाँ पर कोशिश करें कि आप फुल क्रीम मिल्क लें, और जो बर्तन आप लें वो या तो मोटी तली का हो या फिर आप इसे नॉनस्टिक बर्तन में बनाएं ताकि जो दूध है वो तली में लगे नहीं। अब हम मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे गाढ़ा कर लेंगे। तो जब दूध अपनी क्वांटिटी का आधा रह जाएगा, ये लगभग 500 से 600 मिलीलीटर रह जाएगा, तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप चीनी। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। वेट से अगर आप इसे देखेंगे तो ये 100 से 125 ग्राम है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से घुलने देंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे क्रम्बल किया हुआ छेना। इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक होने देंगे। इसे आपको लगातार चलाते रहना पड़ेगा और इसे धीरे धीरे हम गाढ़ा कर लेंगे। तो देखिए हमें इसे चलाते हुए 12 मिनट हो गए हैं, ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची से हमारे कलाकंद में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस हमें इसे इतना ही गाढ़ा करना है। इसे बहुत ज़्यादा भी कुक ना करें, नहीं तो जो आपका कलाकंद बनेगा वो काफ़ी सख्त हो जाएगा। तो बस जब इसका जो पानी है वो सूख जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम एक ट्रे ले लेंगे या फिर आप कोई भी थाली या प्लेट ले सकते हैं, उसके ऊपर आप एक बटर पेपर लगा लें, आप चाहे तो फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ये सारा मिक्सचर है इसको निकाल देंगे। और फिर इसे फैलाते हुए अच्छे से इसे टैप कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल देंगे, इसे गार्निश करेंगे। अब इसको हल्का हल्का टैप कर देंगे ताकि जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो इस पे चिपक जाएं। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। तो आप इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें। 1 घंटे के बाद हम देखेंगे तो ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है। फिर हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी आसानी से कट हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा कलाकंद है वो कितना सॉफ्ट बना है। आप यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसे आप बिल्कुल भी फ्रिज में ना रखें। इसे सेट करने के लिए हमें फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि अगर हम इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये काफ़ी सख्त हो जाएगा। तो अब इसको निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं और ये देखिए कितना दानेदार, कितना सॉफ्ट, एकदम मुंह में घुल जाने वाला हमारा कलाकंद बनके तैयार है। एकदम हलवाई के जैसा बनाए ये। नेक्स्ट हमारी रेसिपी है रसमलाई। इसके लिए कढ़ाई में डालेंगे 1 लीटर दूध। तब कोशिश करें यहाँ पर आप फुल क्रीम मिल्क लें, और जो बर्तन आप लें वो या तो मोटी तली का हो या फिर आप इसे नॉनस्टिक बर्तन में बनाएं ताकि जो दूध है वो तली में लगे नहीं। अब हम इसको चलाते जाएंगे और इसे गाढ़ा कर लेंगे। जब दूध हल्का सा गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे चुटकी भर केसर।
केसर से हमारे दूध में बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा और इसका जो कलर भी है वो एकदम हलवाई के पास से जो हम रसमलाई लाते हैं ना, आपने देखा होगा वो थोड़ी सी येल्लोइश होती है, तो उसका कलर भी येल्लो हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये 1/4 कप चीनी, ये लगभग 100 ग्राम है। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम रसमलाई को चाशनी में उबालेंगे तो उसमें भी चीनी होगी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठा ना डालें। अब हम दूध को 5 से 7 मिनट तक और गाढ़ा होने देंगे, फिर हम इसमें डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच चिरौंजी। चिरौंजी को पहले आप 5-7 मिनट के लिए भिगो कर रख लें और फिर इसमें डाल दें। फिर हम इसमें डाल देंगे ये कुछ बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम। अब सभी चीज़ों को इसमें डालकर हम इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची से हमारे दूध में बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो दूध को हमें बहुत ज़्यादा भी गाढ़ा नहीं करना है, बस हम इसे 12 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। फिर गैस को बंद कर देंगे। अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें चाहिए ये 300 ग्राम चीनी। फिर इसमें डाल देंगे इसके 2.5 से 3 गुना पानी। तो जो बर्तन आप चाशनी के लिए वो कोशिश करें कि बड़ा हो। अब हम 1.5 लीटर दूध का छेना तैयार कर लेंगे और फिर इसको हाथ से चलाते हुए इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे। तो इसको हथेली से हमें मसलते जाना है। इसे स्मूथ करने में हमें 10 से 12 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो जब भी आप रसमलाई के लिए छेना बनाते हैं तो कोशिश करें कि वो एकदम स्मूथ हो। अगर आपको लग रहा है कि जो छेना है वो हाथों पर चिपक रहा है, तो आप इसको मसलने से पहले 5 से 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख सकते हैं और फिर आप इसको मसलते हुए स्मूथ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो छेना वो एकदम स्मूथ हो गया है। अब हम इसको छोटे छोटे पोर्शंस में तोड़ लेंगे ताकि जो हमारी रसमलाई बने वो सभी इक्वल साइज़ की हो। साइज़ के लिए आप ध्यान रखें कि जब आप इसको बॉईल करेंगे तो फिर ये अपने साइज़ से डबल हो जाएगा, तो इसलिए आप इस साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा ना लें। और फिर हम इसको हाथ में इस तरीके से घुमाते हुए इसकी एक टिक्की बना लेंगे। ये जब आप इसकी टिक्की बनाएं तो कोशिश करें कि इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स ना हो। तो इसी तरीके से हम सभी टिक्की बना के तैयार कर लेंगे। इसको हमें इस तरीके से हथेली में दबाते हुए ही गोल करना है। आप पहले इसकी बॉल बनाकर इसको प्रेस ना करें, नहीं तो उसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे। तो सभी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे। ये 1.5 लीटर दूध के छेने में हमारी लगभग 11 से 12 रसमलाई बनके तैयार हो जाएगी। तो सारी टिक्कियाँ हमारी बनके तैयार हैं। दूसरी तरफ हमारी जो चाशनी है उसमें भी अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें एक एक करके टिक्कियों को ऐड करते जाएंगे। तो सारी टिक्कियाँ हमें इसमें एक साथ ऐड नहीं करनी है, इसमें हम इसे एक एक करके डालेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। तो 10 मिनट के बाद ये देखिए जो टिक्कियाँ हैं वो फूल गई हैं, अपने साइज से डबल 2.5 गुना हो गई हैं। तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि जितना भी बड़ा बर्तन आपके पास अवेलेबल हो ना, उसमें आप इसको बनाएं। अब हम इनको हल्के हल्के हाथों से पलट देंगे। ये काफ़ी सॉफ्ट हैं तो इसलिए ये काम आप थोड़ा सा केयरफुली करें। तो ये हमने सारी टिक्कियों को पलट दिया है। अब हम इसे ढककर 5-7 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो 5 मिनट के बाद ये देखिए जो हमारी टिक्कियाँ हैं, हमारी जो रसमलाई है वो एकदम पक के तैयार है। अब हम इसे कोल्ड बाथ देंगे। तो एक बड़े से बर्तन में कुछ आइस क्यूब्स डाल लेंगे और फिर उसके अंदर इन टिक्कियों को निकाल लेंगे ताकि जो इसकी फर्दर कुकिंग है वो रुक जाए, ये और ज़्यादा ना पके। तो सारी रसमलाई को हमने इसमें निकाल लिया है। दूध को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर रसमलाई को इस तरीके से हथेली में दबाकर इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और फिर इसको दूध में डिप कर देंगे। तो देखिए इसको हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है, इसकी जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो निकाल लेनी है, फिर इसको दूध में डालते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी रसमलाई कितनी स्पंजी बनी है। तो सभी रसमलाई का ये जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो हम निकाल लेंगे, इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि ये
दूध में डूब जाए। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि जो इसका दूध है वो हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, अगर हम इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो रसमलाई इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे और फिर सर्व करेंगे। तो देखिए कितनी सॉफ्ट और डिलीशियस हमारी रसमलाई बनके तैयार है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की 3 मिठाइयों की रेसिपी। कौन सी मिठाई आपकी फेवरेट है ये हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ज़रूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।